इलेनी में दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। इलेनी में दुर्गेश पर निशुल्क क्लास में मैं दुर्गेश राष्ट्रहित में देशहित में आपके लिए सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि यह सीरीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य विज्ञान इस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे विज्ञान वर्ग से हो चाहे, क्योंकि विज्ञान वर्ग में विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनरल साइंस आपके लिए है। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताएं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उदासीन है। क्या है? उदासीन है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, समान होती है। जी हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसकी मात्रा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, अगली तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। अब की बार एक सीट हमारा। जी हाँ, यहाँ पर ये सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हीलियम के नाभिक होंगे। किसके नाभिक? हीलियम के नाभिक होंगे, क्योंकि अल्फा किरणें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। ठीक है, ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती है। अगर जी हाँ, ये क्या होती है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है, इसलिए ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब की बार एक सेट हमारा लिख दीजिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। एकदम आसान सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका सिलेक्शन। देखिए सोडियम क्लोराइड की बात करें तो क्या होता है, NaCl होता है। जी हाँ, NaCl, यह सोडियम क्लोराइड होता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो एक प्रकार विद्युत संयोजी बंद होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा Na जो है ये प्लस, Cl की बात करें तो ये माइनस। इस प्रकार हमें क्या मिलता है, NaCl मिलता है। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं, पहला काम आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से, ये पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, क्योंकि सामान्य विज्ञान दोनों के सिलेबस में है तो दोनों पढ़ लेंगे, कौन सा कण अस्थायी है। देखिए कौन सा कण अस्थायी है तो जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये अस्थायी मूल कण है। ये क्या है, अस्थायी मूल कण, कौन कौन, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक हो गया आपका, दूसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है, अस्थायी मूल कण है। जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन तथा मेसाम ये अस्थायी कण है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कण अस्थायी है, ये होगा न्यूट्रिनो। ये क्या होगा, न्यूट्रिनो होगा, क्योंकि न्यूट्रिनो हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ और एंटी न्यूट्रॉनो हुआ। ठीक, यह क्या है, यह आपका अस्थायी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, रासायनिक यौगिक सबसे छोटी, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है, रासायनिक लाइव है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है, बताइए जल्दी कमेंट करके क्या होगा, संभावी यूनिट क्या होगी, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो अणु इसका राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, डी होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक,
चलिए अगला है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है भैया, आप लोग सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है आपके लिए, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से क्या प्रभावित होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अब की बार एक सीट हमार, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपयुक्त सभी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, ये संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में नाभिक चक्कर लगाते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिकी में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी आयनिक लवण का, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका द्विविद्युत आघूर्ण अधिक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसका कोई रंग नहीं होता, क्या होगा। देखिए आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि यह सीरीज सभी के लिए है। देखिए यहां पर इसका जो द्विविद्युत आघूर्ण जो होता है ये अधिक होता है, जल आयनिक लवण शुभ विलायक होता है, इसमें द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण अधिक होने का कारण क्या है, डाई इलेक्ट्रॉनिक नियतांक ये बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है, इससे आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जल में घुल जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा बीस का राइट आंसर होगा, बीस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा तेजी से हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद फिर से अपनी कक्षा है आपकी, रॉयल बेरिंग का स्नेहल करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है, 9:30 बजे क्या किया जाए, यहां पर क्या होगा, ये अर्ध ठोस होगा, क्या होगा, अर्ध ठोस, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, रॉयलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः अर्ध ठोस स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो अर्ध ठोस होता है यह दो बेरिंग में होता है, आंतरिक और बाह्य, इसके बीच की दूरी कम करने का यह कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, कौन सा कारक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग बताइए, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण होगा। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, अंतरण होगा, मतलब यहां पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण पिंडों को आवेशित, जो आवेशित होता है उसके करने के लिए उत्तरदायी होता है, आवेशित करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, ये धनावेशित हो जाते हैं, लेकिन इनके विपरीत इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा, कहां विक्षेपित होगा, जल्दी से बताइएगा, क्लास से संबंधित कोई प्रश्न पूछे उसके अलावा कोई प्रश्न क्लास के अंत में पूछे, ठीक है, फालतू के कोई प्रश्न अगर पूछना हो तो अंत में पूछिएगा, केवल यहां पर सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, किससे, सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित कहां होता है, तो यहां इस प्रश्न का उत्तर हो नीचे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर या ऊपर की ओर। देखिए ये परीक्षा वाले प्रश्न है, जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न आते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, दाईं ओर होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दाईं ओर होगा, क्या होगा, दाईं ओर होगा। कैसे, देखिए परमाणु जो यहां पर प्रोटॉन जो है ये बायो सेफर्ट के नियम से, किसके, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बायो सेफर्ट, बायो सेफर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसकी दिशा दाहिनी ओर होगी,
अतः प्रोटॉन किधर होगा? दाहिनी ओर विक्षेपित होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, फेसबुक पे डाल दीजिएगा प्लीज। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथी, अपने सभी साथी मित्रों तक, क्योंकि अब की बात एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सामान्य विज्ञान में भी पढ़ना है और आपको विज्ञान सेक्शन में भी पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, क्योंकि नियुक्ति सभी को लेनी है और सीट कम कंपटीशन ज्यादा। देखिए किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित क्या करता है, यह होगा परमाणु क्रमांक। मान इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? ए होगा। कैसे? परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी तत्व के गुणों की परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा जो भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए एकदम आसान है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या होगा? देखिए यहां पर परमाणु भार बराबर अगर हमें पूछा है, परमाणविक भार बराबर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी? न्यूट्रॉन की संख्या। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, तो बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो जो परमाणु तत्व का जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा? 22। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा? 22 होगा। ठीक, आप लोगों ने ध्यान से देखा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, थोड़ा समय आपके पास कम है। ग्राम में, देखिए यहां पर होगा AMU। ये क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट होगा। माने तत्वों का जो प्रमाणिक भार होता है उसे AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? डी आप सभी का राइट आंसर होगा। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, सामने दिख रहा होगा किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी क्लास के लिंक और नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है बताइए? यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पर हम जानते हैं 2 × n², तो यहां पर क्या होगा? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? तो यहां पर यह हो जाएगा 2 × 2² तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। मन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8 इसका सही जवाब होगा। तो जितने साथी मित्रों ने ठीक इस प्रश्न का उत्तर दिया है ए, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों का राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? जल्दी से कमेंट कर बताएं। संतुलित रासायनिक समीकरण में
अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। सभी साथी जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मोल, अणु, परमाणु, आयन क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक को पक्ष उत्पाद में क्या होगा, मोल, अणु, परमाणु या आयन? यहां भी इस प्रश्न का उत्तर होगा परमाणु। एकदम सही आप लोगों ने बताया है। जी हाँ, सभी लोगों ने क्या बताया है, परमाणु। परमाणु वालों का उत्तर पूरी तरह से सही है। हाँ, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होते हैं, न परमाणु बनते हैं, और न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। ठीक, चलिए अगला है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? देखिए सिलेक्शन उतना आसान नहीं जितना हम आप समझते हैं, इसलिए समय कम है। डेली क्लास में आप लाइव आइएगा, समय रहते आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा, साथ में क्रैश कोर्स पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम है। तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? यह है रासायनिक सूत्रों के द्वारा। आप लोगों ने एकदम आसान सा प्रश्न है, रासायनिक सूत्रों के द्वारा। तत्व यौगिक अणुओं को किसके द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक, चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यूनिक हैं, हलवा वाले प्रश्न हैं, और आपको ऐसे प्रश्न को जवाब भी देना होगा क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी क्या हैं, रेस के घोड़े हैं। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आप लोगों ने, काफी लोगों ने एकदम सही बताया है। ये है डायबेराइनर, क्या होगा, डायबेराइनर। आइए देखते किसके। देखिए डायबेराइनर ने सबसे पहले 1817 में तत्वों का वर्गीकरण किया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब बनाई थी, 1869 में, जिसमें तत्वों के परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। परमाणु भार के आधार, किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, लेकिन यहां पर अतः मेंडलीफ आवर्त नियम में परिवर्तित करना आवश्यक हो गया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को बनाया गया। न्यूलैंड ने 1865 में तत्वों के विभाजन का नियम दिया। क्या किया, तत्वों के विभाजन का नियम दिया। तो यहां पर तीन बड़े प्रश्न आपके तैयार हो गए। क्या हो गए, तीन बड़े प्रश्न आपके तैयार हो गए। तत्वों का सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था, तो डायबेराइनर ने किया था, लेकिन मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के रूप में बनाई थी, माने मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जो सी बता रहे हैं, यहां पर सी नहीं, यहां पर डी आपका होगा, क्योंकि 1817 में है और यह आपका 1869 में। ठीक, दोनों लोग जानते रहिएगा, मैंने दोनों टॉपिक को पूरा पढ़ा दिया। अब आपके ऊपर है, आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाते हैं। ठीक, मैंने न्यूलैंड को बता दिया, डायबेराइनर को बता दिया, मेंडलीफ को बता दिया। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ाता है फिर आप वहां पे जुड़ सकते हैं। ठीक, यह आप परीक्षा में गलती मत करिएगा, जो मेरे सामने आपने यहाँ पे गलती की है, जो लोग सी बता रहे हैं वो गलती परीक्षा में मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी साथी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से कमेंट कर बताइए जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर है। एकदम आसान प्रश्न है, सभी लोगों ने बताया, ये परमाणु क्रमांक पर है। किस पर है, ये आपका परमाणु क्रमांक पर है। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। इसका प्रतिपादन कौन किया था पता है,
मोजेल ने किया था। किसने किया था? मोजेल ने। कब किया था? 1913 में। कहां के थे? ब्रिटेन के थे, ठीक है, मोजेल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग का अभी कहेंगे सर यहां ये नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको स्पष्ट बता दिया ताकि आप परीक्षा में गलती ना करने पाए, ठीक। उम्मीद करते हैं आपसे गलती नहीं भी होगी। चलिए और आगे चले हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, जल्दी नहीं कमेंट करके बताइएगा क्या है। सभी साथी चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आयोडीन क्लोरीन ऑक्सीजन क्या है, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सभी क्या है? रेस के घोड़े हैं। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। अब की बार एक सीट हमार, देखिए इसका होगा क्लोरीन होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्लोरीन बताया। देखिए क्लोरीन आवर्त सारणी में समूह 17 पाया जाता है, कहां पे क्लोरीन किस में है? समूह 17 में क्लोरीन पाया जाता है। इसका रासायनिक तत्व जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 17 है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक, यह दूसरा हल्का हैलोजन है, सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। यह तीसरी सर्वोच्च विद्युत ऋणात्मक पाई जाती है, इस कारण क्लोरीन शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्ता भी है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन होगा। बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग, मतलब जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। परीक्षा में ऐसी गलती मत करिएगा वरना सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। हाँ, यहां गलती कर लीजिएगा, परीक्षा हाल में गलती नहीं होनी चाहिए। अब की बार एक सीट हमार, निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, बताइए। बताइए, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, यह होगा परमाणु क्रमांक। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण परमाणु की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होता है, तत्व के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इस कथन से अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर समान गुणों के तत्व नियमित अंतर आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, जर्मेनियम क्रिस्टल आबंध है किसके? ये सहसंयोजी है। क्या है? ये सहसंयोजी है। क्या है? सहसंयोजी है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी में चौथे एक खंड में है, ये कार्बन तत्वों के समूह भी है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए उपलब्ध है, जो मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क है। बताइए क्या होगा? वह सबसे छोटा कण जिसमें उच्च तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, ये होगा परमाणु। क्या होगा? परमाणु। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, इसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है। स्वतंत्र रूप में ये अणु जो है ये स्वतंत्र रूप में रहता है, स्वतंत्र रूप में रहने वाला है, ठीक है। इसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैसों के लिए भिन्न है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैसों के लिए भिन्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैसों के लिए भिन्न है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिए वो होगा अणुओं की गति। क्या होगा? अणुओं की गति। कैसे? अणुओं की गति ठोस द्रव गैस के लिए अलग अलग होती है। ठोस में कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। द्रव में अणु गति के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं, गैस के अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसी प्रकार की गति कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गैस के अणु द्रव ठोस के अणुओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते हैं।
विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। किसी भी सवाल के लिए इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर पर मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में करके, क्योंकि अभी हम लोग को केवल क्लास पे फोकस करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, मैंने बार बार कहा, दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक, यहां पे देखिएगा विखंडन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वही लिखी जूनियर। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन। लेकिन एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा निष्कासन या मुक्त करने के लिए नाभिकीय, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जवाब जरूर दीजिएगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, कोयला जलने से? बताइए जल्दी से कमेंट करके। एकदम आसान है, नाभिकीय संलयन इंपॉर्टेंट है, ये सब रटने वाले प्रश्न है जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु के संलयन द्वारा हीलियम परमाणु का निर्माण होता है, इसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सबसे छोटा कौन है, जल्दी बताइएगा, इसमें सबसे छोटा कौन है? एकदम आसान प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंचाइए, कर भला तो हो भला। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सबसे छोटा कण होगा। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का नाम क्या, जल्दी बताइए कमेंट करके। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। अरे इतना आसान सा प्रश्न है यार, अब ये लोग नहीं बताएंगे कैसे नौकरी करेंगे? भैया नौकरी उतनी आसान नहीं जितना आप समझते हैं, उतनी कठिन नहीं जितना लोग बताते हैं। सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। 20 का सही जवाब होगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। अगला है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए इसका होगा, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये लर्निंग लगेगी। संभारिक क्या है? संभारिक क्या है? संभारिक क्या है? बताइए संभारिक क्या है? समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु क्रमांक, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ। अरे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान हो उन्हें हम संभारिक कहते हैं, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। ऐसे नौकरी करेंगे आप लोग? दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुणधर्म भिन्न है, उन्हें क्या कहते हैं? दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुणधर्म अलग अलग भिन्न भिन्न है, ये क्या कहलाते हैं? बताइए, इन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं?
आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, ठीक। आइसोहाइट क्या होता है? कुछ लोग आइसोहाइट बता रहे हैं यार। देखिए, आइसोहाइट क्या होती है? समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसोहाइट कहते हैं। आइसोथर्म क्या होता है? समान ताप को हम आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, परमाणु भार समान हो तो संभारी कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अरे भैया, नाभिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान कहते हैं। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, एकदम आराम से और जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब की बार एक सीट हमारा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन प्रश्न का सही जवाब होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में एवं नाभिक में केवल एक एक प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, D2O किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का। ठीक, ठोस जल किसे कहते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, अब की बार एक सीट हमारा। बताइए, टॉपिक के अलावा अगर किसी कोई प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, दुर्गेश सर पर। देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या था? अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। ठीक, जी हाँ, जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना। परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। ठीक, BARC कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होगा। इसमें कौन सूक्ष्म तत्व है? इसमें कौन सूक्ष्म तत्व है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, इसमें कौन सा सूक्ष्म तत्व है? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। फर्स्ट पेपर को थंबनेल वायरल करिए, फर्स्ट पेपर का। इसमें कौन सा सूक्ष्म तत्व है? इसमें कौन सा सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन है। क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगा? हाइड्रोजन सूक्ष्म होगा। मतलब विकल्प के आधार पर अगर हम इसे देखें, चलिए अगला, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क संचालित की जाती है। ठीक है, आप चाहे जुड़ सकते हैं, जी हाँ, और साथ ही साथ इसकी लिंक आपको, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग भी दुर्गेश है। यहाँ पर सभी तैयारी आपको उपलब्ध होगी पूरी तरह से, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। इस क्लास में जुड़े रहेगा प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। फर्स्ट पेपर, जी हाँ, फर्स्ट पेपर की 50 प्रश्नों की सीरीज, जी हाँ, 50 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाइव चलती है।
जी हाँ, कोई भी क्लास छूट जाए लेकिन यह क्लास आपकी कभी जीवन में ना छूटने पाए, इस बात का आप सबसे ज्यादा विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। ठीक, यहाँ पे सारे प्रश्न हम आपके लिए परीक्षा वाले लेकर आते हैं। अगर आपको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, परीक्षा में बेहतर करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों को आपको अपने आप से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। डेली क्लास के लिए प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ठीक है, बाय बाय। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। जी हाँ, 6:30 बजे सुबह डेली करंट की सीरीज आपको मिलती है। 6:30 बजे सुबह पहली किरण के साथ टॉप 20 करंट की सीरीज। जी हाँ, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, चलते हैं।